वेलकम व्यूअर्स, कम्युनिटी राउंड अप प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी, ये सिलसिला जारी है और इसमें हम आपसे म्यूनिसिपल इलेक्शंस के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, जो लोगों से मुलाकात हो रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और आज हम सिटी काउंसिल एजेक्स के उम्मीदवार वार्ड 2 के अजहर ख़ान साहब से बातचीत करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि वो इस मैदान में उतरे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अनीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टैग टीवी पे लेने का और ये प्रोग्राम करने का। अच्छा, तो अब मसला ये है कि गहमा गहमी चल रही है इलेक्शंस की, और जिस डाइवर्स कम्युनिटी में आप और मैं रहते हैं, मैं भी एजेक्स में ही रहता हूँ, उस वार्ड 2 में बड़ी तादाद हमारी उन लोगों की है जो ये ना सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं, हमारे बहुत सारे चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, मतदान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और वो सुनते हैं, देखते हैं और बात को मानते भी हैं, और वो जानना चाहेंगे अपनी ज़बान में अपने ही एक उम्मीदवार से कि वो इस मैदान अमल में कूदे हैं तो वो हमारे लिए क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका हलका है जिसे हम वार्ड 2 कहते हैं एजेक्स का, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू होता है, कितने अरसे पे मुहित ये फैला हुआ है, और इसमें हम कौन लोग हैं जो कि वोट दे सकते हैं आपको? बहुत शुक्रिया अनिस भाई। सबसे पहले तो वार्ड 2 का मैं बता दूं, वार्ड 2 जो है लोकल काउंसिल, ये सबसे बड़ा वार्ड है। ये शुरू होता है आप लगाएं किंगस्टन से लेके ऊपर ऑडले टॉन्टन तक, और ऑडले से लेके ये बिल्कुल चला जाता है आपके एक्सट्रीम वेस्ट, जहाँ पे हमारा चर्च और उससे आगे बॉर्डर पिकरिंग का लग रहा है। तो रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा वार्ड है, जिसके अंदर जो लोग एजैक्स और धर्म में रहते हैं उन्होंने यहाँ पे अमेजोन देखा होगा, HMS का नया वेयर हाउस बना हुआ है, इकबाल फूड को देखा होगा, ये सब उसी एरिया के अंदर आते हैं। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ समझ में करनी थी कि जो नॉर्थ ऑफ टॉन्टन है, यानी कि अगर हम साउथ का जो इलाका है, रॉजलैंड बल्कि समझ लीजिए कि जो रॉजलैंड का इलाका है, क्या वहाँ से शुरू होता है या ये साउथ एंड नॉर्थ का कोई मसला है? क्योंकि मैं वार्ड 4, एक और वार्ड 1 एंड वार्ड 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था जी। मुझे। एक्चुअली वार्ड ये अव्वल तो मैं अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको अपना एक ये मैप भी भेज रहा हूँ, पता नहीं ये फोकस ठीक कर है, सकते हैं नहीं, मगर अगर आप किंगस्टन पे आ रहे हैं और किंगस्टन से आप ऑडले पे लेफ्ट लेंगे तो मेरा हल्का जहाँ पे एजेक्स डाउन है, जहाँ पे लोग यू नो एजेक्स डाउन जहाँ पे हॉर्स रेसिंग वगैरह होती है, वहाँ से लेके ऊपर तक आप चले जाएं टॉन्टन को जो ऑडले जा रही है, जिसके सीधे हाथ पे आपका रिक्रिएशन सेंटर भी आता है, आगे बगीला बगी लेन्स जो है जहाँ पे डेयर क्रीक है, गोल्फ कोर्स ठीक है। वो भी, और जो सेलम है, ये रॉजलैंड और सेलम, यहाँ पे मेरा हल्का रॉजलैंड तक है, यानी कि सेलम और रॉजलैंड से लेके ऊपर ऊपर का तक का जितना भी एरिया वो मेरा है ब्रॉक के बॉर्डर तक। तो उसमें कितनी, मतलब अगर हम एक वोटर्स की अगर आपने कोई लिस्टिंग देखी हो तो हम सेफली क्या कह सकते हैं कि उसमें कितनी तादाद में वहाँ पे लोग रहते हैं जो कि वोटर्स होंगे, और जाहिर है वहाँ तक आपको रीच भी करना होगा, डोर नॉकिंग भी करनी होगी? तकरीबन जो हल्के में 25 से 30 हज़ार के करीब पॉपुलेशन है इस पूरे एरिया में, और जो विनिंग कैंडिडेट थे 1,550 के करीब उनके वोट थे। तो अगर हमारी हमारी कम्युनिटी अक्सर इतनी एग्रेसिव नहीं निकलती, मगर मैं जहां दूसरी कम्युनिटी देखता हूं वो रिलीजियसली, मतलब बिल्कुल जैसे हम लोग ईद की नमाज पे निकलते ही निकलते हैं, उस तरीके से वो जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट करते हैं। जबकि इस वक्त नॉर्थ में जो 3 पॉपुलेशंस हैं, तामिल कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन, ये मेजॉरिटी में है। इसके अलावा कैरिबियंस भी हैं, हमारे कैनेडियंस भी हैं, मगर हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 35 से 45% के करीब है। तो अगर हम ही पूरी तरह निकल जाएं तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि अजहर ख़ान कौन है, लेकिन मैं उससे पहले अपने जितने भी हमारे मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं काउंसिल के कैंडिडेट्स के, उसमें मैंने ये ज़रूर बात को एम्फिसाइज़ किया है कि देखें, ये सिर्फ शौक शौक में नहीं लड़ते, ये VIP कल्चर के लिए नहीं लड़ते, बल्कि इसके लिए आपको काम करना पड़ता है, आपने इलाके में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हों, किसी एक्टिविटीज़ में रहे हों, आप वहाँ पर लोगों से मिलते जुलते रहे हों,
ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर नहीं करेंगे तो शायद हम सिर्फ और सिर्फ बराए नाम ही लड़ रहे होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि अज़हर ख़ान कौन है? मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत सारे दोस्त जानते हैं, लेकिन कौन है अज़हर ख़ान जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बहुत बताएं शुक्रिया ज़रा। अनिस भाई। अज़हर खान जो है यहाँ पे 12 साल से काम कर रहे हैं। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो टोस्ट मास्टर में यूथ लीडरशिप प्रोग्राम का चेयर इलेक्ट हुआ इलेक्शन में। ठीक, टोस्ट मास्टर में अब तक 4,000 यूथ हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम से, जो कि फ्री ऑफ थे क्योंकि कुछ लोगों ने फंडिंग की तो मैंने यूथ से पैसे नहीं लिए। 35,000 मील सर्व की हम लोग ने मार्च 2020 से लेके आज तक, जिसमें सेंट मैरिया गॉरिडे चर्च, जिसमें कैंडलवुड चर्च, जिसमें एजेक्स चर्च, वार्मर सेंटर बनाया सर्दियों के लिए पिछले 3 साल से। मील्स में मैं ये बताता चलूं कि सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट की वो मुस्लिम वेलफेयर कनाडा ने की, क्योंकि मेरे वसाइल बहुत महदूद थे, मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकता था। तो शाहिद भाई, इकबाल भाई ने बहुत खुल के जनरोसिटी के साथ किया। उसके अलावा वॉलंटियर आवर्स मेरे, अगर आप लगाएं 2008 से, तो 10,000 के से ज़्यादा मेरे वॉलंटियर आवर्स हैं। मैं मेंबर हूँ एजेक्स टाउन का होमलेस कमेटी का, जिसमें हमने कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया टाउन के साथ। पिछले 12-10 साल से मैं टाउन के साथ हर मीटिंग अटेंड करता हूँ कि म्यूनसिपल इश्यूज़ क्या हैं। हमारे लोग बहुत से मिक्स कर देते हैं प्रोविंशियल इश्यूज़ और म्यूनसिपल इश्यूज़ को और फेडरल इश्यूज़ को। उसके बाद मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने न्यू न्यू कमर्स एडवाइजरी टेबल का मेंबर हूँ। इट्स लाइक अ वॉलंटियर जॉब, बट वी वेंट थ्रू विद द यू नो प्रोसेस लाइक अ जॉब। यू आई गॉट दिस टेबल, आई एम द ओनली पाकिस्तानी। और हम लोग जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उसके सेटलमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। धर्म डिग्निटी के लिए काम किया ओशवा में, विडबी में, एजेक्स हॉस्पिटल में। हमने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा नर्सेस को कोविड के दौरान मील सर्व की। हमारे जो फ्रंट लाइन जो पैरामेडिक्स हैं उनको हमने सर्व की, क्योंकि नर्सेज जो हैं वो मील नहीं बना रही थी, बल्कि वो मिल भी नहीं सकती थी किसी से, क्योंकि वो कोविड वार्ड के अंदर हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर प्रोटोकॉल था कि हमने उनसे लिस्टें ली और हमारी सारी मील्स हलाल होती थी, क्योंकि 25% नर्सेज जो थी वो मील नहीं खा सकती थी बिकॉज ऑफ दैट इशू। इसमें मैं अगेन कहूँगा मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा, मेरे बहुत से दोस्त जो कि बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने बहुत खुल के उन्होंने काम किया कम्युनिटी के लिए। जब ही ये 35,000 मील हम सर्व कर चुके, अभी भी हम सर्व कर रहे हैं। और अफगानी कम्युनिटी, बहुत से लोग जो यूक्रेन से आए, बहुत से जो ज्यूज कम्युनिटी है उनको हमने की, और अभी भी हम 3 से 4 चर्चेस को मील सप्लाई कर रहे हैं। एक्सेलेंट। और मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो मैं ख़ुद वाउच कर सकता हूँ कि चाहे वो इंटरनल कोई इशू हो या एक्सटर्नल क्राइसिस हो, सैलाब की मदद हो या जलजिले की, वो बढ़ चढ़ कर ही उसमें हिस्सा लेते हैं। और ये जो बातें अभी अज़हर ख़ान साहब ने आपको बताई हैं व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि इसको अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ इसका बुनियादी मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कैंडिडेट है वो कितना एजुकेटेड है, कितना वेल इन्फॉर्म्ड है, किस हद तक वो इंगेज है कम्युनिटी के साथ, और वो किस तरह से आने वाले दिनों में काउंसिल में जाकर आपकी एक तवाना आवाज़ बन सकता है। और यही वो क्वालिटीज़ होती हैं कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी कैनेडियंस, मुस्लिम कैनेडियंस ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएं, क्योंकि उनके अपने बड़े स्पेसिफ़िक इश्यूज़ होते हैं जो कि ये लोग ना सिर्फ समझते हैं बल्कि ख़ुद ये लोग हम और आप उससे गुज़रते भी हैं। तो ये इसको आइडेंटिफाई करके उसको इशू भी कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात ये होती है कि ये लोग यहाँ के मरकज़ी धारे के जो सियासतदान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो या लोकल हो, उससे भी इंगेज रहते हैं। और चौथी बड़ी बात ये कि यहाँ की तमाम मसाजिद, चर्चेज़ और रिलीजियस और फेथ की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके साथ भी अटैच रहते हैं। अज़हर ख़ान साहब को मैंने बड़ा मुतहरिक पाया, बड़ा फ़ाल पाया जब भी कम्युनिटी कोई इवेंट होता है, और वो चैरिटेबल इवेंट में बहुत ज़्यादा अपना फेस सामने नहीं लाते, लेकिन हमें मालूम है कि बैकग्राउंड में क्या कर रहे होते हैं। जी, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको जो आप डोर नॉकिंग कर रहे सर, हैं अभी सबसे तक? पहली बात तो मुझे जो ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, क्योंकि कोई एशियन अभी तक है नहीं, कोई पाकिस्तानी भी काउंसलर यहाँ पे नहीं बना। सबसे पहले तो वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि कोई एजुकेटेड आदमी आया। मतलब यूनिवर्सिटी कराची से मैंने मास्टर्स किया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, प्रोजेक्ट मैनेजर बाय प्रोफेशन हूँ। तो बहुत से हमारे वो लोग इस दफ़ा ख़ास तौर पे फ्लड रिलीफ में जो हम लोग ने काम किया था, और लोग
बहुत ज्यादा मुझे खुशी इस बात की कि लोग वॉच करते हैं आपको, लोगों को पता है, गूगल कर रहे हैं, क्योंकि मैं यूथ को पढ़ाता हूँ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, सेंटेनियल में, और अपने प्रोग्राम्स भी करता हूँ, तो वो बच्चों ने जाके अपने घर में बताया, क्योंकि मेरी जो मेन वॉलंटियर फोर्स भी है वो है। और यकीन करें कि पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ बहुत वेलकम किया, बल्कि हमारी इंडियन कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी, बल्कि उन्होंने बहुत खुशामदीद किया, क्योंकि मसले को समझना ज़रूरी है और आपको हर वक्त जुड़े रहना है अपने कम्युनिटी के साथ। ये नहीं कि आप 3 महीने पहले आए, आपने काम किया, नहीं, ये एक कमिटमेंट है। लोग मुझे 12 साल से देख रहे थे, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं टैग टीवी में और अनिस भाई आपको देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, ईमेलें कर रहे हैं। और आपको बहुत एक्टिव इसलिए नहीं रहना कि आपको डोर नॉकिंग करनी है। आपने अभी स्टार न्यूज़, टोरंटो स्टार ने मेरा इंटरव्यू किया, आपने उनको आर्टिकल लिख के देखने हैं, आपने कई ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉन्टैक्ट कर रही हैं, आपके वर्बेज ले रही हैं कि जो आप प्रॉमिस अभी कर रहे हैं कि आप उस पर स्टैंड होंगे तो नहीं होंगे। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, और बेसिकली आप अपने आप को ऑफर करते हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए। और जो हमारे यहाँ के लोकल कैनेडियन है, ये इसको बहुत ऑनर करते हैं, क्योंकि आपका घर, आपके बच्चे, आपका हर चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो वो लोग उसको बहुत ऑनर भी करते हैं। तो आपका तो इतना अच्छा प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये म्यूनिसिपल को छोड़ आप तो फेडरल के लिए भी एक बहुत जिसे कहना चाहिए कि स्ट्रांग कैंडिडेट हो सकते हैं। आई होप यू आर गिविंग टफ टाइम टू योर कंपेटिटर्स। जो इस कितने लोग इसमें खड़े हुए हैं जो आप जिनसे मुकाबला है मेरे आप और इनकम्बेंट से भी खास तौर मेरे पर? तक टोटल 5 हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मैं किसी के भी, जो एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा कि उसकी ये खामियां हैं या वो ऐसा करता था। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ अपने विजन पे और डेटा पे। और ये मेरी ट्रेनिंग कॉरपोरेट में हुई है, क्योंकि टोयोटा इंटरनेशनल में मैंने पिछले 15 साल सर्व किया है, तो जापानीज ने हमें सिखाया कि हम जब भी बात करें वो परफॉर्मेंस से और डेटा से बात करें। और आप मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि काइजन मेथडोलॉजी जो है वो आपने उस पर काम किया हुआ है। मैं खुद एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर और इसमें काम कर चुका हूँ, टोयोटा में मैंने भी काम किया, और हमने वहाँ यही सीखा जो जापानीज का जो मेथड है, ख़ासतौर पे जो काइजन टेक्नोलॉजी मेथड है, वो एक ऐसा मेथड है प्रूवन एंड सक्सेसफुल है, जिसकी वजह से क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे वो लोगों की ज़िंदगी में क्यों ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है अज़हर साहब, बहुत बड़ी जी, बात है। अल्लाह का शुक्र है। 2005 में मैंने मिडल ईस्ट को रिप्रेजेंट किया। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फॉर काइजन मेथडोलॉजी। मैं मोटोमाची प्लांट टोयोटा सिटी में ICT भी था, जहां मैंने पढ़ा, लोगों को पढ़ाया। और कम्युनिटी में मैंने सिर्फ यूथ को नहीं पढ़ाया, बल्कि जो काइजन मेथडोलॉजी आप जानते हैं, सिक्स सिग्मा लीन, वो एक अलग डीमैक प्रोसेस है, और टोयोटा PDCA प्लान डू चेक एक अलग है। तो मैं जो न्यू कमर्स हैं, कंसल्टेंट भी हूँ कई बिजनेसेस का, और जो हमारे नए लोग आ रहे हैं उनको मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। तो ये गुड, नॉलेज शेयरिंग भी एक तरह की चैरिटी है। अगर कोई आपके दोस्त आते हैं बिल्कुल, और उनको जॉब नहीं मिल रही, आप उनको सर्टिफिकेशन में हेल्प करते हैं PMP पे, जिससे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की वो मिल जाती है। तो ये जब आप सारे काम कर रहे हो तो अल्टीमेट आपकी प्रोफाइल भी बनती है, और लोग आपको जानते हैं और उनको पता होता है कि हमारा ये नुमाइंदा, क्योंकि इट्स अ कॉरपोरेशन, टाउन ऑफ एजेक्स, इट्स अ बिग, लाइक अ यू हैव टू वर्क लाइक अ डायरेक्टर ऑपरेशंस। नॉट ओनली आप लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, बल्कि आपको बजट पढ़ना आना चाहिए, आपको फोरकास्टिंग आनी चाहिए, आप लोगों की चीज़ों को एज ए प्रोजेक्ट कैसे आगे लेके जाएंगे। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी सिटी के से वाबस्ता रहा हूँ कई सालों से, और मैं काम करके आया हूँ, इसलिए मुझे ये आपने बड़ा बड़ा एक बड़ा इम्पोर्टेंट बटन दबा दिया है मेरा, जो कि मैं अपने जितने भी कम्युनिटी के उम्मीदवार हैं मैं उनसे यही कहता हूं कि क्या आपको फाइनेंशियल्स पढ़ने आते हैं, क्या आप जानते हैं कि जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ तकरीरें नहीं करनी, वहां पे आपने सिर्फ VIP नहीं बनना, बल्कि आपने वहां जाके बजट रिपोर्ट्स पे काम करना होगा, अपना हिस्सा कैसे लेना है, प्रायोरिटाइजेशन कैसे करनी है प्रोजेक्ट्स की, और उसके लिए एक क्वालिफाइड शख्स बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम तमाम ही कैंडिडेट्स का जायज़ा लें तो अज़हर ख़ान जो है वो आउटस्टैंडिंग फ्लाइंग कलर्स के साथ हमें नज़र आते हैं, कि वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनको ज़रूरी है, अब बल्कि ज़रूरी हो गया कि उनको अब हम काउंसिल में लेकर आएं।
ताकि वो आगे चल के इस ना सिर्फ इस इलाके बल्कि हु नोज़ कल को आप फेडरल या प्रोविंशियल में भी कोई ना कोई किरदार अदा करो। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके अगर मैं मोटे मोटे अजाइम पूछूं या आपके मंशूर पूछूं या आपका दस्तूर पूछूं कि आप जीतने के बाद क्या पहले 3-4 काम हैं जिस पे काउंसिल में जाके अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू करेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है अनिस भाई, उसके लिए जो पहला मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे अपने लोग जो किसी भी इकोनॉमी की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो है स्मॉल बिजनेसेस। हम सब ने सरवाइव किया है पिछले 3 साल में कोविड में, तो सबसे ज़्यादा तो मैं जो मेरा जो फोकस होगा, जो इश्यूज हैं जो भी अंदर जाके जब अगर अल्लाह ताला ने ये मेरे नसीब में लिखा और अगर उसकी रज़ा हुई, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितनी भी मेहनत कर लें जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि हम जीत सकते हैं हम, क्योंकि अल्टीमेट उसका हुक्म होगा। तो डेवलपिंग पॉलिसीज पे काम करना है, प्रोमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड लोकल बिजनेसेस, क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन एजैक्स। बहुत से बच्चे हैं, मेरा खुद अपना बड़े बेटे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है सलमान, और दूसरे बेटे सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिसिसागा ब्रैम्पटन से हो रही है। अगर वो कल को यहाँ सेटल डाउन होते हैं मेरे घर के पास या यहाँ पे, तो वो क्या 1.5 घंटे 401 से ड्राइव करके आएंगे? और पूरा आपको पता है कितना एग्जॉस्टिंग है ड्राइविंग। तो मेरी कोशिश ये है कि जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हो, इतनी इंडस्ट्री यहाँ लगे कि वो यहीं पे उनकी खपत हो जाए और वो फैमिली क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दें, क्योंकि ये बच्चे जो आज फाइनल ईयर में 4-5 साल में इनकी शादियाँ होंगी और नई फैमिली में आपको पता है सिंक्रोनाइजेशन बड़ा ज़रूरी होता है, जल्दी घर पे आएंगे, घर पे फैमिली को टाइम देंगे, तो उससे हमारी जो रवायात हैं और हमारी फैमिली वैल्यूज़ वो बरकरार रहेंगी। दूसरा जो मैं करूँगा, हमारे यहाँ जो मैं क्योंकि कमेटी का मेंबर हूँ होमलेस में, और जो आपको शायद पता नहीं है बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग यहाँ भी हैं कैनेडा में जिनको हम ग्रॉसरी बैग दे रहे हैं कंटिन्यूसली, और क्योंकि हम बताना चाहिए भी नहीं ना हम बता सकते हैं कि ये रेशो बहुत बढ़ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। तो एक बजट मुख्तस करना है कि हमें ये बजट में से हम उन लोगों को इन्वेस्ट करें अफोर्डेबल कम्युनिटी हाउसिंग पे, इन्वेस्ट करें एजेंसीज पे जो कि क्रिटिकल सीनियर्स, बहुत से सीनियर्स आ रहे हैं जिनको बहुत तजर्बा है, जॉब नहीं मिल रही तो वो कोई कोचिंग प्रोग्राम वगैरह में जाएं। तीसरा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग काम करें कि कैसे जो इन्फ्लेशन पड़ रहा है, यूथ मेरा खास टॉपिक है क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूँ, उसमें यूथ लीडरशिप प्रोग्राम को फंडिंग करानी है टाउन से, ताकि उनको, हमेशा मैं पैसे नहीं लेता, मेरे दोस्त जो बिजनेस ओनर हैं वो करते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम यूथ के लिए स्टार्ट करना है विद इन सिटी, जैसे अमेजोन है, HMS है, गॉर्डन फूड है और बहुत सारे चीज़ें खुल रही हैं, तो वहाँ पे हमें उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने, इंक्रीज यूथ का रिक्रूटमेंट फेयर्स लगने चाहिए ताकि जो बच्चे एजैक्स विडबी धर्म जो भी हैं उनको लोकल मिले। उसके बाद डेवलप इंटर्नशिप प्रोग्राम करना है सीनियर्स का यूथ के साथ, जो हमारे सीनियर्स आए पाकिस्तान से, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से, अमेजिंग लोगों से मिल रहा हूँ कि मैं हैरान होता हूँ कि इतने टैलेंटेड हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही मगर मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो वो वर्कशॉप स्टार्ट करने हैं कि वो यूथ के साथ वो अपना तजर्बा शेयर करें। और एक मेरी ख्वाहिश है क्रिकेट ग्राउंड बनाने की यहाँ पे, क्योंकि और वो विदाउट क्लब हो, क्योंकि अभी तो बहुत पैसे दे के आप खेल सकते हैं, क्योंकि जो तमिल कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है पाकिस्तान, वो ऑल आर क्रिकेट लवर्स हैं। एब्सोल्युटली, और हम भी चाहेंगे कि वहाँ पे कभी क्रिकेट मैच हो, कभी हम भी पुराने ज़माने की तरह बैट एंड पैड बांध के फिर आए मैदान में। तो आखिर में अगर मैं आपको एक 30 सेकेंड या 60 सेकेंड में कहूँ कि अपने व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर October 24th, आपकी कैंपेन के हवाले से, इसमें दिस इज द मोमेंट फॉर यू टू यू नो कन्विंस योर ऑडियंस। बहुत बहुत शुक्रिया टैग टीवी का। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जिसको भी वोट दें, मुझे दें या जिसको भी दें, आप वार्ड 2 में हो या कहीं हो, आप जाएं ज़रूर, ये आपका सिविक राइट है। और आप यकीन करें कि आपका डाटा कहीं ना कहीं ज़रूर मॉनिटर होता होगा कि जो लोग वोट देते हैं, आपकी वोट की असल पावर ये है, जब आप जाएंगे तो आपके बच्चे जाएंगे। अक्टूबर 17 से लेकर 24 तक इलेक्शन डेट्स हैं, 17 से ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप प्लीज़ ajax.ca/vote पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें,
24 तारीख बड़ा हैसल डे होगा, तो अगर आप पहले दे दें तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। और मेरा, मैं ये नहीं कि मेरा स्लोगन है कि प्रोग्रेसिव लीडरशिप विद पैशन पर्पस एंड परसिवरेंस, मैं ये इसको जी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैंने 10 साल सर्विस की है कम्युनिटी की, और फिर मैं आया हूँ और मैं ये फिर भी करता रहूँगा। मगर मैं ये समझता हूँ राइट कि ये एक सर्विस है। मैं अपने आप को एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए एंटरप्रेनर ये समझता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे बारे में पढ़ें, मेरे बारे में पूरा जो लिटरेचर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, और प्लीज़ मेरी वेबसाइट अजहर खान फॉर एजेक्स डॉट सी ए पे जाके अगर लोन साइन लेना चाहें या वॉलंटियरशिप करना चाहें या डोनेट करना चाहें, क्योंकि एजेक्स में एक कंपेन है कि इफ़ यू पे $250, 187.50 विल रिफंड टू यू इवन यू आर जी फ्रॉम एनी एनी बोर्ड। तो प्लीज़ जी मैं कुछ करके जो थोड़ी बहुत खिदमत कर सकूँ फिर मैं आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी मेरा पैगाम सुनेंगे आप ज़रूर वोट देने जाएंगे। प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब। अजहर खान फॉर एजेक्स इज़ द वेबसाइट, इसको विज़िट कीजिए ताकि जो इस महदूद सी मुद्दत में हम उसका तारुफ पूरा नहीं करा सकें वो ज़रूर हो जाए। और 24 तारीख को आप जब निकलें तो अपने जहन में ये रखिएगा कि हमने अपने उस क्वालिफाइड कैंडिडेट को ऐसा इसमें काउंसिल में लाना है जो हमारी रग रग से, हमारे मसाइल की इश्यूज से अच्छी तरह से वाकिफ़ है और उसको हल भी कर सकता है, और ना सिर्फ हल कर सकता है बल्कि इम्प्रोवाइजेशन की जो एक गुंजाइश है वो ज़रूर हो सकती है। और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारा प्रोग्राम आज यहीं तक का था। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। प्राइम टाइम में एक म्यूनिसिपल इलेक्शंस की कवरेज जारी है, कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन और तारुफ जारी रहेगा, और इसी तरह से हम आप तक आपके उम्मीदवारों को पहुँचाते हैं।